चेल्सी बेताब रिपीट क्लब विश्व कप फ्लॉप से बचने के लिए। नमस्कार, मैं हूं तृष्वी और आप सभी का दी ऑर्डरिंग में स्वागत करती हूं। आइए इस खबर को विस्तार में समझते हैं। चेल्सी का लक्ष्य शनिवार को पाल्मेरास के खिलाफ क्लब विश्व कप फाइनल जीतकर पिछले कुछ महीनों में उथल पुथल पर पीछे छोड़ना है, जो यूरोपियन चैंपियंस के लिए सीजन परिभाषित अवधि की शुरुआत है। पिछले 10 में से केवल 3 गेम जीतने के बाद ब्लूज प्रीमियर लीग में गति से गिर गया, लेकिन अभी भी घर और महाद्वीप पर कई सम्मानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। चेल्सी 27 फरवरी को लिवरपूल के खिलाफ लीग कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जो कि फ्रेंच क्लब लीली के खिलाफ चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले चरण के पहले 4 दिन बाद और AFA कप के 5वें दौरे से ठीक पहले। जापान में 2012 के फाइनल में कोरिंथियस द्वारा एक स्टार स्टेडेड चेल्सी पक्ष को 1-0 से हराया गया था और मिडफील्डर मार्टियो कोवासिक वर्तमान समूह में संशोधन करने के लिए उत्सुक है। कोवासिक ने कहा, हम इस ट्रॉफी को जीतने के लिए बेताब हैं। हम चेल्सी के इतिहास में इस ट्रॉफी को लंदन लाने वाली पहली टीम हो सकते हैं, इसलिए हमें खुशी है कि हम इतने बड़े फाइनल में हैं। हम शनिवार को इसे जीतने के लिए सब कुछ करेंगे। UEAF सुपर कप में विलारियल पर पेनल्टी शूटआउट जीत के बाद इस सीजन में अपने दूसरे खिताब के रास्ते में खड़े होने के बाद एक पाल्मेरास टीम प्रतिद्वंदी समर्थकों से क्लब विश्व कप जीतने में उनकी विफलता के बारे में मजाक खत्म करने का प्रयास कर रही है। ब्रेजीलियाई इस सप्ताह के अंत में अबू धाबी में अपेक्षित 15,000 प्रशंसकों द्वारा समर्थित होंगे, जिसे चेल्सी के साये जो सॉल्ट लॉ ने कहा कि ये एक और दूर का खेल खेलने जैसा होगा। सऊदी संगठन अल हिलाल ने बुधवार को अधिकांश समर्थन का आवंटन किया। हंगेरियन इस सप्ताह थॉमस ट्यूशल के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। जर्मन कोच कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद घर पर ही अटक गए। हर कोई उम्मीद करता है कि थॉमस जल्द से जल्द यात्रा कर सकता है, लॉ ने कहा। वह सरकारी नियमों का पालन कर रहा है और अभी आत्म अलगाम में है। एक बार उनका नकारात्मक परीक्षण होने के बाद ये उसकी यात्रा करने की संभावना को खोलता है। पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस एबिल फरेरा ने अक्टूबर 2020 में पदभार ग्रहण करने के बाद से पाल्मेरास को लगातार कोपा लिबर्टाडोरेस खिताब दिलाया, जो कि पूर्वकाली देशवासी जॉर्ज जीसस के साल पहले फ्लेमिंगो में जीत के बाद आया। पूर्व स्पोर्टिंग डिफेंडर और ब्रागा कोस फरेरा ने कहा कि मिस्र के अहली पर मंगलवार की 2-0 की जीत के बाद उनकी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, दृढ़ता और संपन्न को जाता है। 43 वर्षीय फरेरा ने कहा, मैंने वास्तव में निचले पायदान पर शुरुआत की, बार्सिलोना या रियल मैड्रिड जैसे टीमों में नहीं था। हर फाइनल में हम खेलते हैं, पेंट में तितलियां हमेशा एक जैसी होती है, ये एक स्वाभाविक बात है। मेरा मानना है कि सभी महान कोच भी ऐसा महसूस करते हैं। यूरोपियन क्लबों ने विश्व क्लब पिछले 8 संस्करण जीते हैं, एक प्रतियोगिता जो परंपरागत रूप से दक्षिण अमेरिका की टीमों के लिए अधिक मायने रखती है। लेकिन रियल मैड्रिड के साथ 2 बार विजेता रहे कोवासिक ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं है, खासकर ब्राजील मूल के 3 खिलाड़ियों थियागो सिल्वा, जॉर्जिन होल्ड और कैनेडी के साथ एक टीम के लिए। हम जानते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि आपको चैंपियंस लीग जीतने की जरूरत है, इसलिए हम इस पल की सराहना करने की जरूरत है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोवासिक ने कहा। चाहे वह फाइनल के लिए बाहर हो या नहीं, ट्यूशल को एक बड़े निर्णय का सामना करना पड़ता है कि केपा अरीजा द्वारा मिडवीक में एक और निपुण प्रदर्शन के बाद गोल में कौन खेलता है। AFA कप में प्लाइमाउथ के खिलाफ देर से पेनल्टी से बाहर रहने वाले स्पेनियार्ड में अलविलाल के खिलाफ दूसरे हाफ में 2 महत्वपूर्ण बचत की। लेकिन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के बाद फिर से उपलब्ध एडोर्ड मेंडी के साथ अपनी जगह खो सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, ऐसी देखते रहिए हमारे।